बहुत समय पहले की बात है, सीतापुर गांव के पास एक कब्रिस्तान था। वो जगह इतना डरावना था कि दिन में भी गांव वाले उस रास्ते से जाने से डरते थे। गांव वालों का मानना था कि रात में वहां एक भूत शिकार ढूंढने बाहर निकलता है। अरे भाई, आज तो बहुत देर हो गया, शाम होने वाला है, हमें वो कब्रिस्तान जल्दी से पार करना होगा, कहीं वो भूत हमारे सामने ना आ जाए। एक बूढ़ा आदमी उस कब्रिस्तान का देखभाल करता था। अरे चाचा, आप अभी भी यही हो? शाम होने वाला है, जल्दी से अपने घर चले जाओ, आपको डर नहीं लगता क्या? अरे भाई, मुझे किस बात का डर? रात होने पर यहाँ एक भूत अपना शिकार ढूंढने बाहर निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, मैं रात को यही रहता हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं दिखा। ये सुनकर वो लोग हैरान हो गए और जल्द ही वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही रात हुआ, उस बूढ़ा आदमी को कुछ होने लगता है। फिर से वही दर्द। उनके ऊपर एक भूत का साया था, जो रात होते ही अपनी असली रूप में आ जाता था। फिर देखते ही देखते वो आदमी एक भूत में बदल गया। उस रात कुछ डाकू एक गांव से सोना लूटकर जा रहे थे। अरे सरदार जी, सामने एक कब्रिस्तान है, वहाँ हमें बहुत सोना मिल सकता है। अकल क्या घास चढ़ने गया है तेरा, बेवकूफ कहीं का, कब्रिस्तान में सोना कैसे मिलेगा? वहाँ तो सिर्फ मरा हुआ इंसान की हड्डियाँ पड़ा हुआ है, अब क्या वो भी लूट ले? लेकिन मैंने सुना है इस गांव के लोग मरे हुए इंसान के पास उनके कुछ गहने छोड़ जाते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो वहाँ खुदाई करना पड़ेगा।